जिंदगी के बहुत सारे पंचेस खाने के बाद और बहुत सारे स्ट्रगल धक्के खाने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा कर्जा ले लेना चाहिए हमें, और हमने डिसाइड करा गाड़ी खरीदना, क्योंकि हम ट्रैवल बहुत कम कर पा रहे थे और उसके लिए हमें एक गाड़ी चाहिए थी जिससे हम ज़्यादा ट्रैवल कर पाएँ। और ऐसी गाड़ी हम ढूंढ रहे थे जो कि बहुत मजबूत हो, और जब मजबूती की बात आती है तो टाटा से अच्छा कोई भी नहीं है। बजट फ्रेंडली गाड़ी विद सीएनजी फिटिंग के साथ हमें चाहिए थी, तो हमने डिसाइड करा टाटा पंच। हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, टाटा एल्ट्रोस हम लेना चाहते थे, टाटा टिगोर भी हमारी लिस्ट में थी और टाटा पंच, और फाइनली हमने डिसाइड करा टाटा पंच लेना। अब आप पूछेंगे कि मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी है टाटा पंच में, कौन सा वेरिएंट खरीदा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो होता है वो है टाटा पंच का बेस मॉडल, जिसको टाटा पंच प्योर सीएनजी बोलते हैं। तो हमने ये मॉडल क्यों खरीदा, हमने बेस मॉडल क्यों खरीदा, इसका सिंपल रीजन है कि इससे ऊपर एक वेरिएंट जाएगा तो वो लगभग 80 से 90 हज़ार महंगा होता है। तो हमने डिसाइड करा, जैसे मैंने बताया, बेस मॉडल लेने का, और हमने अपने 80-90 हज़ार रुपये बचाए। अब आपने गाड़ी ले ली, आपके पास स्टीरियो नहीं है, पावर विंडो नहीं है, और आपके पास सेंटर लॉकिंग नहीं है, जो आप मिस करेंगे गाड़ी के अंदर, सोचते नई गाड़ी हो सब कुछ हो, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली लगवा सकते हैं, जो हमने भी लगवाई है टाटा मोटर से ही, और ये सब लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये में लग गया। ओवरऑल हमारी बचत फिर भी हुई 50 हज़ार रुपये की। ये एडिशनल एक्सेसरीज लगवाने के बाद हमें और भी एक्सेसरीज गाड़ी में लगवानी होती हैं, जैसे कि हमें सीट कवर लगवाना होता है, हमने कार मैट्स लगवाने होते हैं, बहुत सारी एक्सेसरीज हैं छोटी मोटी जो हमें लगवानी होती हैं। तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं कार मार्केट, अपने नियर जो है हमारे वो है गुड़गांव में, गुड़गांव सेक्टर 14। अब जाके देखेंगे कितने रुपये में हमें सीट कवर मिलते हैं, कितने में मैट्स मिलते हैं, वो हम वहीं जाके पता करते हैं। तो लोकेश को ज़रा भूख लग गई है, कह रहा है पहले खाना खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये है हम सिकंदरपुर के पास, और यहाँ पे ये छोले कुलचे मिलते हैं बहुत अच्छे, लोकेश मुझे यहाँ पे लेकर आया है। भूख लग रही है लोकेश? लग तो रही है, और ये वो छोले कुलचे हैं जो मैं हमेशा हफ्ते में एक बार खाता हूँ, जब भी मैं अपनी क्लाइंट मीटिंग के लिए जाता हूँ, तो बहुत स्वाद छोले कुलचे हैं, आज मैं फिर वो खाता हूँ। छोले कुलचे हमेशा मैं खाता हूँ, मुझे पसंद है, मंजू का रिएक्शन देखते हैं। अब हो गई है पेट पूजा, अपने फेवरेट छोले कुलचे खाने के बाद हम जा रहे हैं वापस जहाँ हम जाने वाले थे, गुड़गांव के कार मार्केट। 12-14 मिनट बचे हैं, पहुँच के आपको सारी डिटेल्स देते हैं, तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लेना। तो गुड़गांव में हम पहुँच गए हैं, गुड़गांव के कार मार्केट में हम पहुँच चुके हैं, सेक्टर 13 में हम आए हैं। दुकान का नाम है सनराइज ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें फाइनल कर ली है। मैं दिखाऊँगा मैं क्या क्या लगवा रहा हूँ और कितने में लगवा रहा हूँ, प्राइस बहुत रीजनेबल है, आगे भैया ने एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया है, बहुत अच्छे भैया हैं। और हम शुरू करते हैं, हम क्या क्या ले रहे हैं, चलो। आप ये मत सोचना कि सिर्फ लोकेश आया अकेले, ये बिहाइंड द कैमरा मैं भी हूँ। स्टार्ट। तो मैंने डिसाइड करा है मैं क्या क्या लगवाने वाला हूँ, वो पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी प्राइसिंग और क्वालिटी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने लगवाऊँगा सीट कवर, डोर वाइजर, 7D मैट्स, स्टेयरिंग कवर, व्हील कवर, और मैं लगवाऊँगा मड फ्लैप, फुट टेप, आर्म रेस्ट, LED लाइट, ताकि रात में मैं ट्रैवल करता तो येलो लाइट इतना फ़र्क नहीं करता, बहुत कम रोशनी करता है, तो इसके लिए LED लाइट, साथ ही साथ मैं लगवाऊंगा इसके अंदर फिंगर गार्ड। तो मैं आपको क्वालिटी दिखाता हूँ चीज़ों की। सबसे पहले हमारी गाड़ी में लग रहे हैं सीट कवर। सीट कवर लगाने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं इसको बकेट स्टाइल में लगवा सकता हूँ, उसमें थोड़ा सीट कटेगा फिर लगेगा, ओरिजिनल सीट नहीं रहती है वहाँ पर, या मैं इसको नॉर्मली फिट करा दूँगा सीट कवर लेके, तो एज इट इज़ जो सीट है उसके ऊपर फिट करा देता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नॉर्मल कराऊँ, बकेट ना कराऊँ। बकेट सीट कवर मैं क्यों नहीं लगवा रहा, क्योंकि मेरे को टाटा वाले भैया ने बोला था कि भैया आप बकेट्स मत लगवाना, उसकी वजह से आपका एयरबैग नहीं खुलता है। हालांकि ऐसा आइडियली मेरे को समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सीट पर थोड़ी ना एयरबैग होता है, बट फिर भी आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, और इसलिए मैं नॉर्मल सीट कवर लगवा रहा हूँ। मेरा सीट कवर ये है जिसमें ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, ग्रे एंड क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है, बिकॉज मेरे गाड़ी का इंटीरियर भी देखोगे ना तो ग्रे है प्लस का क्रीम कलर है, इसलिए मैंने यही सीट कवर मैंने चूज़ करा।
पैसे पैसे हर चीज के मैं आपको एंड में बताऊंगा टोटल मेरा कितना आज खर्चा हो रहा है। कि नॉर्मल तरीके से सीट कवर लग रहे हैं, यदि बकेट होते तो मैं दिखाता हूँ कैसा होगा। तो यदि मैं बकेट कवर्स लगवाता तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये काटना पड़ता है, और इससे क्या होता है कभी सीट कवर आपके फट जाते हैं या कुछ यूज़ कराने पड़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको हर बार ही आपको बकेट कवर्स ही लगवाने पड़ेंगे, इसलिए नॉर्मल में लगवा रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं गाड़ी तैयार हो रही है तो थोड़ी पेट पूजा फिर से कर रहा हूँ, फ्री का तो यार कुछ भी खा लेते हैं। यहाँ गाड़ी तैयार हो रही है तो ये बंदे का मुंह बंद नहीं है, तो उससे निकला तो उससे सब तेले जा रहा है, सब खाना है इसको। अब हमारी गाड़ी में लगने जा रहा है आर्म रेस्ट, और उससे पहले मैं गाड़ी की खासियत दिखाता हूँ कि नॉर्मल गाड़ी जो होती है ना उसका गेट ना सिर्फ इतना खुलता है, क्योंकि ये टाटा पंच है इसकी खासियत है 90 डिग्री है, पूरा एकदम स्ट्रेट और स्पेस होता है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ ऐसे और यहाँ से देखूँगा। ये आर्म रेस्ट लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत एसेंशियल चीज़ है किसी भी गाड़ी के लिए यार, जो भी गाड़ी चलाता है ना ड्राइवर उसको लेफ्ट हाथ थक जाता है, लेफ्ट ही हुआ तो और थक जाएगा, पर ये होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि कैसे फिटिंग इसकी आती है और हमें कितना अच्छा अनुभव देता है ये आर्म रेस्ट। अगला आइटम हमारा जो लग रहा है फिलहाल सीट कवर, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो साथ साथ दूसरा काम भी हो रहा है जो कि है हमारा स्टीयरिंग कवर। स्टीयरिंग कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा सॉफ्ट भी है, तो स्टीयरिंग कवर का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है चलाने में, लंबी चलती है गाड़ी तो थोड़ा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, उसमें पसीने भी नहीं आएंगे, वो उसकी है कि पसीने आते तो आपको हाथ चिपकने लगता है, तो हाथ भी चिपके रहते तो ये उसके लिए है। एक और चीज़ गाड़ी में लग गई है जो कि डोर वाइजर बोलते हैं इसको, इसका काम क्या होगा, आपको बारिश जब आती है हल्का शीशा खोलते तो अंदर नहीं आएगा पानी, और दिखने में भी लुक काफ़ी सुंदर आता है, बहुत सही चीज़ है, मतलब कि हर गाड़ी में होना चाहिए, बाहर से लगवा सबसे ज़्यादा महंगा आता है। ऑफिस में एक्सल पर शीट बनाने से लेके गाड़ी का सीट लगाने तक का सफ़र बहुत कठिन रहा, और इससे मेरे को एक चीज़ और रियलाइज हुई, अब और भी ज़्यादा शीट बनानी पड़ेंगी क्योंकि इसके पैसे दे रहे हैं शीट के टुके लाइफ में। मैं गाड़ी में एक ऐसी चीज़ लगवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी बहुत बेसिक है, कोई नहीं लगवाता वैसे जनरली इसको, बट मैं लगवा रहा हूँ जिसका नाम होता है फिंगर प्रोटेक्टर। इसका काम क्या है, जैसे अभी भैया लगा रहे हैं यहाँ पे, अभी भी कोई अपना गेट खोलता है तो जिसकी अंगूठी होती है, नाखून होते हैं, और इसको बच्चे खेलते रहते हैं गली मोहल्ले में, तो ये इसमें ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इस एरिया में, यदि ये लग जाएगा गेट खोलते टाइम आपको कोई भी स्क्रैच नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है, सस्ता आइटम है, और ये हर गाड़ी में होना चाहिए। ये बहुत सॉफ्ट है, मैं ऐसे खोलूँगा मेरे इस पर टच होगा कोई भी नाखून नहीं लगेगा, अंगूठियाँ पहनता हूँ मैं अंगूठी नहीं लगेगी, तो यहाँ पर स्क्रैच नहीं लगेगा, आराम से खोल जाएगा। एक और चीज़ जो गाड़ी के अंदर बहुत बेसिक छोटी चीज़ें जो होना बहुत ज़रूरी है वो बताता हूँ मैं, आप यहाँ देखो यहाँ पे क्या, जब भी कोई इंसान चढ़ता है तो यहाँ पे सबसे पहले पैर के निशान लग जाते हैं, देखो गंदी हो रखी है, हम लोग चढ़े हैं हमने पैर ऐसे यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे जो लगता है उसको बोलते हैं स्कफ प्लेट है, स्कफ टेप, स्टील में भी आता है टेप में भी आता है, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि कभी यहाँ पे स्क्रैचेस ना हो, यहाँ पे चीज़ घिसे ना, और आपकी गाड़ी इस जगह से प्रोटेक्ट रहे। नई गाड़ी में लगवाओ, पुरानी गाड़ी में मतलब नई गाड़ी में बचाते रहते हैं ना। टाटा पंच सीएनजी में यदि आप ढूंढोगे कि आपकी गाड़ी के सारे पाने पाना कहाँ हैं, तो मैं बताता हूँ कहाँ पे होते हैं। आप गाड़ी में आओगे, गाड़ी की डिग्गी में इस साइड कोने में होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको ये बेल्ट खोलनी होगी दोनों साइड से, और यहाँ पे ये एरिया जो है इस एरिया में ये बैग रखा होता है। कभी आप ये ना सोचो कि टाटा वाले ने मेरे को दिया ही नहीं, ऐसा नहीं होता, सब गाड़ी में आता है, तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा।
लोकेश क्या लग रहा है अब हमारी गाड़ी में? लग रहा है व्हील कवर। टाटा के बेस मॉडल में व्हील कवर नहीं आता है, अलॉय तो ऑब्वियसली नहीं आता है। इसमें छोटा सा व्हील कवर आता है जो ये वाला एरिया है जो भैया खोल रहे हैं, इसको हटा के यहाँ पे व्हील कवर लगा दिए जाएंगे। अब एलॉय और नॉर्मल जो व्हील आते हैं हमारे, एलॉय व्हील और नॉर्मल व्हील, नॉर्मल व्हील लोहे के होता है और एलॉय एल्यूमिनियम का होता है, और एल्यूमिनियम हमेशा हल्का होता है लोहे से, तो इसलिए लोग एलॉय लगाते हैं। प्लस में लुक भी बहुत अच्छा आता है। परफॉर्मेंस तो मैं नहीं बता सकता कैसी होती है, पर मेरे को टाटा मोटर्स में जो भैया थे जो मेरे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने मेरे को बताया था एलॉय में एवरेज थोड़ा डाउन हो जाता है कंपेरिजन टू नॉर्मल व्हील, पर ऐसा होता नहीं है मेरे को नहीं लगता होता। टाटा की नॉर्मल गाड़ियों में जो लाइट आती है बहुत येलो कलर की आती है, थोड़ी डल होती है, मतलब आप बहुत अंधेरे में होंगे ना तो बहुत उतना रोशनी नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे लाइट भी लगवाई है, LED लाइट लगवाई है। अब मैं वो जला के दिखाता हूँ कितनी सेक्सी दिखती है। ये भी तो लगाई थी वाइट। हाँ चल गए। लाइट बहुत तेज हो गई है, पहले ना येलो कलर की थी तो इतनी रोशनी नहीं करती थी, काफी ज्यादा रोशनी करती है। क्योंकि दिन का टाइम था जब हम लाइट चेंज करा रहे थे तो हम येलो लाइट नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, पर व्हाइट लाइट बहुत तेज हो गई है। ये इतनी रोशनी जो आपको दिख रही है और मैं चमकता हुआ आपको जो दिख रहा हूँ, इसका कारण है यहाँ पे लगाई मैंने एक LED व्हाइट LED लाइट। इससे पहले इसके अंदर ये छोटा सा बल्ब था पीले रंग का, वो हटा के मैंने लगाई ताकि इससे रोशनी अच्छी आती है। चमक देखो कितनी बेहतरीन हो गई है गाड़ी के अंदर। अब मैं भी गोरा दिख रहा हूँ। मैट है 90 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
कॉम्प्लीमेंट्री टॉवल दिया है प्लस कार परफ्यूम भी दिया है। तो भैया का नाम है राहुल। भैया एक बार एड्रेस बता दो आप अपना। सनराइज ट्रेडिंग, कार एक्सेसरीज, सेक्टर 14, अपोजिट केंद्रीय विद्यालय स्कूल, शॉप नंबर 2A। और साथ में मैं भैया का नंबर एंड इनके यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पे इजीली आ सकें, और आना ज़रूर है सबको, मेरे भाइयों को, खासकर आप लोगों को। इतने सारे आइटम दिखाए जो मैंने लगवाए हैं, इसके अंदर एलईडी लाइट, सीट कवर, आर्म रेस्ट, एक्सपेंसिव चीज़ें भी थी। और आप सोच रहे हो यार कितना पैसा खर्च कर दिया इसने, बेस मॉडल लेके कम से कम 50,000 रुपये से लगा दिए होंगे, बट ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 22,000 के अंदर सारा काम कराया है। बेस मॉडल को मैंने अपनी गाड़ी को टॉप मॉडल में बना दिया सिर्फ 22,000। तो आप यहाँ ज़रूर आना और राहुल भाई से मुलाकात ज़रूर करना। और भैया चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो भी है कॉम्प्लीमेंट्री, वो मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको।